hello students today we are going to discuss about highest common factor that is hcf and as you know it is also known as greatest common factor gcd okay so first of all let's discuss the definition of hcf hcf is the greatest number which divides two or more numbers completely without having any remainder okay let's see how to perform it we'll do it uh, the method that we are going to discuss today is SCF using short division method okay how to find highest common factor using short division method so let's have two numbers one number is 96 and 120 96 and 120 okay so how to find the SCF of these two number so let's take example by using short division method keep in mind okay so we'll take 96 and 120 here okay हिर ओके अब हमने इसमें देखना है कि ये किससे पूरा डिवाइड हो जाता है जैसे मैंने आपको बोला मतलब कि किससे पूरा डिवाइड हो जाता है कंप्लीट होता है तो इसमें हमारे पास Uh, 96 will divide it by two. If we divide it by two, it will give you 48 and 160 will give you 60. Again, the both number can be divided by two because both are even number. So it will be 24 and 30. Again, both are even numbers, so we can divide it by. divided them by two. That is 15. And then can be this 12 and 15? है ना अब इसमें से अगर हम देखें तो ट्वेल्व है जो वो टू से डिवाइड होता है लेकिन जो फिफ्टीन है वो टू से डिवाइड नहीं होता तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर में ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब हमारे पास दोनों नंबर ही टू से डिवाइड होंगे तभी हमने उसको लेना है मतलब कोई ऐसा नंबर लेना है जिसमें ये दोनों नंबर ही डिवाइड होते हों ओके जैसे अगर हम थ्री से इसको डिवाइड करें तो हमें पता है थ्री के टेबल पे ट्वेल्व भी आता है और फिफ्टीन भी आता है है ना हम इसको थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये गया फोर और ये आ गया हमारा फाइव नाउ वी नो दैट कि फोर और फाइव ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें फोर और फाइव दोनों ही आते हों ओके सो ये जो हमारा है दिस इज़ नोन एज योर हाइस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे निकालेंगे हम हाइएस्ट कॉमन फैक्टर को एस सी एफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री ठीक है टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री तो कितना बना टू टू ज़ा फोर फोर टू जी एट एट थ्री जा ट्वेंटी फोर सो द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर नाइंटी सिक्स एंड वन ट्वेंटी इज ट्वेंटी फोर आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी टू एंड फाइव जीरो फोर ओके सपोज वी हैव दिस अब आपने इसको कैसे करना है आप इसको कीजिए हम सपोज यहीं से ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दे ऑल आर इवन नंबर तीनों ही नंबर क्या है इवन नंबर्स हैं तो ये दो पे चले जाएंगे दे में गो टू सो इट विल बी ट्वेंटी इट विल बी ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी सिक्स एंड टू फिफ्टी टू ओके ये पहले कहा गया नाउ अगेन ऑल आर इवन नंबर सो दे डिड किया फोर्टीन वन ट्वेंटी सिक्स को टू से किया सिक्सटी थ्री एंड टू फिफ्टी टू को टू से किया तो वन ट्वेंटी सिक्स ओके अब हम ध्यान से अगर देखें तो ये थ्री के टेबल पे वन ट्वेंटी सिक्स जा सकता है सिक्सटी थ्री जाता है लेकिन फोर्टीन नहीं आता तो हम नहीं लेंगे थ्री ठीक है तो नेक्स्ट इज़ सेवन तो ये जो है तीनों नंबर सेवन पे जाते हैं टू पे नाइन पे और एटीन पे ओके okay? अब हम अगर ध्यान से देखें तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ऐसा कोई भी हमारे पास नहीं है नंबर ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें टू नाइन और एटीन पे जाता हो नंबर जैसे कि अगर टू के टेबल पे देखें तो टू और एटीन जाता है लेकिन नाइन नहीं जाता अगर थ्री के टेबल पे देखें तो नाइन और एटीन जाता है लेकिन टू नहीं जाता इसका मतलब आगे नहीं जा रहे हैं हमारे पास नंबर तो इस करके हमने यहीं पर स्टॉप कर जाना है तो हमारा एस क्या बनता है एस हमारा बनता है टू इं टू इंटू सेवन टू टू ज फोर फ़ोर सेवन ज़ा फोर सेवन ट्वेंटी एट Okay. So, the highest common factor for 56, 252 and 504 is 28. Okay. So, ye tha this, this, what was the method? Short division method. Okay. We have discussed this short division method. That means SCF using short division method. Okay. I hope you like it. If you like, please like our video and like our channel too. Thank you so much.